हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। और फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो असम राइफल्स के हवलदार क्लर्क के ऊपर है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर हवलदार क्लर्क वालों का फिजिकल कैसा होता है, बैच कितने का बनता है, जो आपका रनिंग ट्रैक है वो कितने का है, और जो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर पर होता है, कितना टाइम मिलता है, सब कुछ हम बात करेंगे इसके अंदर। और टाइपिंग सर्टिफिकेट और शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट आपका कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स को डाउट है कि सर असम राइफल्स में हवलदार क्लर्क की भर्ती कैसे होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बार फर्स्ट टाइम भर्ती देने जा रहे हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। तो मैं आज पूरा इनमें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको तैयारी करके जाना है, ताकि आप हवलदार क्लर्क के अंदर अपना फिजिकल, अपना डॉक्यूमेंट, अपना टाइपिंग टेस्ट आप क्लियर कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने पॉइंट्स के साथ। तो हमारे पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका होगा। जिन भाइयों का हवलदार क्लर्क में जिन्होंने फॉर्म डाले थे उनका जो सेंटर है फिजिकल का वो दीपू है। तो दीपू सेंटर के बारे में दोस्तों दो तीन चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। सबसे पहला दोस्तों, दीपू सेंटर में लास्ट ईयर भी क्लर्क वालों का फिजिकल हुआ था। जितने भी क्लर्क से थे, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट्स की जो भर्ती थी वो दीपू में हुई थी। अब दीपू में दोस्तों जो रनिंग का जो कि बैच है वो कितने का बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि सर बैच कितने का बनता है। तो बैच जो है दोस्तों वो आप लोग का 200 से 300 का बच्चों का बनाया जाता है। लास्ट ईयर की बात करें तो 350 का भी बैच बना है, 400 का भी बैच बना था, ठीक है। तो बैच से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बैच में आपको घबराना नहीं है कि इतनी भीड़ में हम कैसे रनिंग कर पाएंगे, रनिंग में पास हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं करनी। आपको अपने टाइम से दौड़ना है, आपको किसी से भी वहाँ पे कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। भीड़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, भीड़ चाहे कितनी भी हो, आपको बस अपने रनिंग पे फोकस होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अपने होम टाउन में प्रैक्टिस है रनिंग निकालने की एटलीस्ट 21 मिनट तक और 22 मिनट तक, तो आप इजीली दीपू में रनिंग निकाल सकते हो। सिर्फ आपको अपनी हिम्मत से वहाँ पर काम लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्यों हार्ड है दीपू सेंटर। सब बोलते हैं सर दीपू सेंटर हार्ड है, दीपू सेंटर में रनिंग करना मुश्किल है, ठीक है, ढलान है, चढ़ाई है, उतार है, क्यों ऐसा है? तो पहले बता दो दोस्तों, जो दीपू सेंटर है वो आपका पूरा हिली एरिया है। अब हिली एरिया क्या है, मतलब जो सेंटर है जो आपके पहाड़ पे, आपने देखा ही होगा जो सेंटर है वो इस प्रकार से गया है आपके पूरा पहाड़ पे होते हुए। तो थोड़ा ऊंचाई है दोस्तों, थोड़ी पहाड़ी क्षेत्र में होने से क्या है कि वहाँ पर थोड़ा रनिंग करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए घर पर, जहाँ भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी अगर रनिंग अच्छी है तो आप दीपू सेंटर पर भी रनिंग निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब बात करते दोस्तों, जैसे ही आप अपनी रनिंग क्लियर कर लेते हो, तो रनिंग क्लियर करने के बाद क्या है कि दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंटेशन होना स्टार्ट होगा रनिंग जैसे आप पास हो जाओगे। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही आप लोग को बैच में बिठा दिया जाएगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाइपिंग सर्टिफिकेट की। जो सबसे ज़्यादा मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है, या हमारे पास CCE का मतलब सर्टिफिकेट है, या मेरे पास मतलब कोई सॉफ्टवेयर का है, तो मैं पहले बता दोस्तों आपके पास नॉर्मल एक टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिस भी आपने कंप्यूटर कैफ़े से या फिर कोई भी कंप्यूटर सेंटर से आपने बनवाया हो या आपने वहाँ पर टाइपिंग आपने की हो, तो आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको मैं थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे आपका वहाँ से जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने टाइपिंग प्रैक्टिस करी है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें दोस्तों शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड का कोई सर्टिफिकेट दोस्तों अलग से नहीं होता, वो भी टाइपिंग में ही आता है, टाइपिंग का ही एक पार्ट है दोस्तों शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड में भी आप लोग का टाइपिंग का ही सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो इसमें दोस्तों आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते दोस्तों टाइपिंग की, टाइपिंग आप लोग की कैसे होगी। तो टाइपिंग में दोस्तों सिंपल है, जब आप लोग का फिजिकल क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली वेरीफाइड हो जाएंगे, तो आप लोग को फिजिकल के नेक्स्ट डे दोस्तों क्या है कि आप लोगों को डे बाई डे आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का टाइपिंग का एक बैच बनाया जाएगा, लगभग 5 से 6 लड़कों का बैच बनता है दोस्तों। और टाइपिंग में आप लोग को बुलाया जाएगा एक हॉल में, जहाँ पर भी आपके सामने 10-15 कंप्यूटर्स रखे होंगे, तो आप लोग को अपने सिस्टम पर बैठना है। और आप लोग को दोस्तों पहले मैं बता दूं, वहाँ पे जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे, जो भी वहाँ पे क्लर्क्स होंगे, वो आप लोग को गाइड करेंगे पूरा। मैं पहले बता दोस्तों 5 मिनट का जो आपको है कि वो डेमो मिलेगा। 5 मिनट के डेमो में आप लोग को अपना सिस्टम पूरा चेक करना होता है कि आप लोग का माउस सही से काम कर रहा है, कीबोर्ड आपके सारे फॉन्ट्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूरा वहाँ पर टाइम मिलेगा,
आप इजी वहाँ पर टाइम करोगे। अब आपको टाइपिंग के लिए टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो टाइमिंग जो है दोस्तों आपको पूरे 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग वहाँ पे करनी होगी, और हिंदी में अगर आपने टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों में करनी है टाइपिंग या सिर्फ एक में, तो भाइयों दोनों में नहीं करनी, किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी है जिसमें आपकी टाइपिंग अच्छी हो, चाहे आप इंग्लिश में कर सकते हो चाहे आप हिंदी में, दोनों में से किसी एक में। रही बात दोस्तों ये दीपू सेंटर का, मैंने आपको फोटो दिखा दिया कि हाँ इसी गेट पे आप लोग को रिपोर्ट करना है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल के दिन आप इसी गेट पे रिपोर्ट करोगे, देन आप लोग का जिस दिन ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट के लिए भी आप लोग को, जो कि आपका टाइपिंग होगा ट्रेड टेस्ट में, तो आपको यहीं पर आपको गेट के सामने आ जाना है और आप यहाँ पर अपना रिपोर्ट करके अपना टाइपिंग टेस्ट वगैरह दोगे। अब बात करते हैं दोस्तों ये ट्रैक की, तो जो दीपू का जो ट्रैक है दोस्तों वो रोड है, जो वहाँ पे रोड रनिंग होती है, तो रोड आपका गया हुआ है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा रूट है, फिर आपको घूम के फिर से वापस आना है, तो आपका ऐसे करके पूरा रूट है दीपू का, तो ऐसे ही आपकी पूरा बैच बनाया जाएगा और ऐसे ही आपका रनिंग भी होगा। और बात करें दोस्तों हाइट और चेस्ट की, तो हाइट के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ, हाइट जो है क्लर्क की वो 165 सेंटीमीटर है, ऑल इंडिया ऑल कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले कि हाइट वहाँ पे 170 लगने वाली क्लर्क की, नहीं है, हाइट आप लोग की 165 रहने वाली है, और इसमें जो आपकी चेस्ट मेजरमेंट है वो 75 से 81 तक की चेस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको कोई डाउट नहीं है। ये आप लोग की दोस्तों यहाँ पे हाइट मेजरमेंट हो रही है, आप लोग की फ़िज़िकल के बाद आप लोग का हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। और कैसी लगी वीडियो दोस्तों मुझे कमेंट ज़रूर करना, अगर कोई पार्ट अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आप लोग तैयारी करते रहो। और जैसे आप लोग को पता ही है दोस्तों कि आप लोग के रिटन एग्ज़ाम, जैसे आप लोग अपना टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हो तो आप लोग को रिटन का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग को मिल जाएगा, तो लगभग आप लोग को 15 से 20 दिन रिटन एग्ज़ाम के लिए भी मिलेंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहो। और बात करो दोस्तों टाइपिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करनी है आपको, तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है टाइपिंग के लिए। और हवलदार क्लर्क के अंदर आपको क्लियर करना है तो आपको अपनी रनिंग और टाइपिंग टेस्ट दोनों आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।